नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एडू हब में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमारे इस ऐप से आप कॉलेज लेवल की क्लासेस कैसे ले सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अभी प्रारंभिक दौर में आपको केवल राजस्थान की चार यूनिवर्सिटीज का कोर्स अवेलेबल होगा, यानी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें पहली है अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी, दूसरा है पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी और महाराजा सूरजमल भरतपुर और राज ऋषि भर्तहरि अलवर यूनिवर्सिटी। इन चारों यूनिवर्सिटियों का आपको पहले क्या मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होगा इस ऐप के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले आपको कैसे हमारे ऐप के थ्रू पहुंचना है और वहां कैसे आपको कोर्स कंटेंट परचेज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट का ऑप्शन ऑन करना है, जैसे कि मेरा इसमें इंटरनेट का ऑप्शन क्या है बेटा, ऑन है। तो अब आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में ऑन करते हैं, अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें दिखता है यहाँ पे हमें टाइप करना है एबल एडू हब में। तो देखो दोस्तों मैंने पहले से एबल एडू हब यहाँ पे सर्च कर रखा है, तो मैंने इसको ओके करता हूँ। तो मैं जैसे मैंने ओपन किया तो सबसे पहले आ गया अपने इस लोगो के साथ में एबल एडू हब। तो इस एबल एडू हब को आपको क्या करना है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करते यहाँ पे जिसका इंस्टॉल नहीं है उसमें क्या आ जाएगा, इंस्टॉल का साइन आ जाएगा, और जिसमें इंस्टॉल ऑलरेडी है तो उसमें क्या आ जाएगा, ओपन का साइन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। मैंने इस ऐप को क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें कुछ कोर्स, ये आपका पहला स्टेटिंग डिस्प्ले होगा जिसमें आपको दे रखा है कि कोर्स कौन कौन से हैं। देखो अभी इसमें ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है, यानी टॉप सेलिंग कोर्स में चल रहा है बीएससी पार्ट थर्ड पीसीएम, ये चारों यूनिवर्सिटीज का है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर, राजस्थान विश्वविद्यालय और राज ऋषि भर्तहरि विश्वविद्यालय अलवर और महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर, यानी इन चारों यूनिवर्सिटीज का ये कोर्स हमें तैयार कर लिया है। और आपको बताया यहाँ फैकल्टी की बात करें तो ऑफिसर मैथमेटिक्स डीपी बगड़िया सर, केमिस्ट्री और सचिन सर की बात करते हैं, सचिन सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। तो बेटा सबसे पहले इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब बीएससी पार्ट थर्ड का जो कोर्स की एक्सपायरी डेट है वो है 30 जून 2021, यानी जिनको भी कोई डाउट्स होते हैं कि सर ये कोर्स कब तक चलेगा, ये चलेगा, तो हम पहले तो हम ये बता देते हैं कि जब तक आपकी एग्जाम्स होगी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आज फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया तो उसी शाम को फिजिक्स का यानी कोर्स यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हमने इसको एक रफ आइडिया दिया है 30 जून 2021। और हemare जो फीचर्स हैं, हमारे फीचर्स हैं देखो, इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच और वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, डाउट क्लियरेंस विद असाइनमेंट्स, लेटेस्ट डिजिटल टेक्निक्स और मोटिवेशनल सेशन भी होंगे, और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग होगी आपकी, क्या होगी, मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग पूरी होगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने ये कोर्स आ गया, अब बात आती है इस कोर्स को परचेज करने की। तो जब मैं इस कोर्स को परचेज करता हूँ तो ये मेरा चार्ज, ऑलरेडी वैसे चार्ज बात करें तो चार्ज 1499 है, लेकिन इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज की बात अलग आती है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका 1499 प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलकर टोटल बनता है 1538 रुपये, ठीक है। तो जैसे आप कभी ऐसे कोई जाते हो ना, जैसे आप ईमित्र चार्ज बोलते हैं 30 रुपये, ये सब ऐसा करके आके चार्ज है, ठीक है। तो ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है और हम इसको क्या करते हैं, परचेज बाय नाउ पे जाते हैं। तो बाय नाउ पे स्टेट्स की बात करते हो, हम ओबीएस सब राजस्थान के ही हैं, तो मैं जैसे डिफॉल्ट इसमें क्या लिख देता हूँ, राजस्थान कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ जी, राजस्थान। मैंने इसमें राजस्थान पे क्लिक कर दिया। तो प्रोसेस टू पेमेंट, तो हम पेमेंट के ऊपर जाते हैं। जैसे हम पेमेंट पे गए तो आपको 1538.38 पैसे आपको क्या करें, चार्ज कटेगा। तो आपको ये करना है कि आपको पहले यहाँ पे UPI करना है या नेट बैंकिंग करना है, तो आप वॉलेट फोनपे का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग UPI में। देखो UPI में आपको ये दे रखा है, ठीक है, और पे लेटर का दे रखा है। और दूसरी बात यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, जैसे आप मतलब किसी का वॉलेट वगैरह यूज कर सकते हो, जिसमें अमेजन पे है, फ्रीचार्ज है, ओला मनी है, पेजैप है और फोनपे है, ठीक है। कहने का मतलब ये है आप इस प्रकार इसको सिस्टम में है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंटरनेट बैंकिंग की, किसकी बात करता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग की। और इंटरनेट बैंकिंग में जाता हूँ मैं SBI में, ठीक है। जैसे मैं SBI में गया तो मेरा SBI का ओपन हो गया सिस्टम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो आगे क्या आता है, इसमें मैं इसमें डालता हूँ सिस्टम। तो जैसे मैंने पेमेंट कर दिया,
अब पेमेंट करने के बाद हमारे पास टोटल ऐसा इन्फ्रेंस आएगा हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। तो मैंने जो कोर्स परचेज किया वो बीएससी पार्ट थर्ड पीसीएम का किया है, तो मैं साहब इस पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और अब मैं मेरे कंटेंट यानी क्लासेस लेने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार हो गया हूँ। आपकी रिसिप्ट यहाँ आ जाएगी, आपको जो पैसा पेमेंट आपने दिया उसका रिसिप्ट तुरंत प्रभाव से जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे यानी टोटल कितने वीडियोज आ गए हैं, अभी हमने जैसे 10 वीडियो डाले हैं, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट किया है, 10 वीडियो डाले हैं। तो देखो आपने कंटेंट पे जाइए, आपको किसकी क्लासेस लेनी है, जैसे फिजिक्स की क्या लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, मैथमेटिक्स की लेनी है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स की बात में फिजिक्स में पेपर सेकंड चल रहा है, पेपर सेकंड में आपको कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 4 चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 4 चल रही है। तो यूनिट नंबर 4 के जो वीडियोज हैं, जैसे मैं लेक्चर नंबर 1 की बात करता हूँ, लेक्चर नंबर 1 का मैं स्टार्ट किया तो प्ले वीडियो, और प्ले वीडियो करने, अच्छा आपको उसमें रोटेशन को ऑफ नहीं रखना, ठीक है, ऑन रखना है। अच्छा अब देखो इसमें ये आ गया कि जनाब आप है ना, आपके मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डर अलाउ नहीं है, इसलिए इसमें वार्निंग आ गई, ठीक है। इसलिए आपको मैं क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने स्क्रीन रिकॉर्डर वाले ऐप को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही कंटेंट चलेगा। इस प्रकार आप अपना कंटेंट ले सकते हो। बेटा याद ये रखना है कि अपने स्क्रीन रिकॉर्ड, अपने जो स्क्रीन होता है ना ऑटो रोटेट, इसको हमेशा क्या रखना है, ऑन रखना है। बिकॉज क्योंकि ये ऑटो रोटेट ऑन होगा तो ही अपना सिस्टम चलेगा, अच्छा चलता है ना, थोड़ा लैंडस्केप में आ जाएगा ना मोबाइल तो अच्छा चलेगा। ओके तो इस प्रकार हम इस कोर्स को चला, यानी इसमें रिकॉर्ड जब अपना स्क्रीन रिकॉर्डर चल रही है ना तो इसमें आप चला नहीं सकते, ये अपने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं बेटा। तो इस प्रकार ये क्लासेज हैं। और अभी जैसे बात करें तो केमिस्ट्री क्लासेज कितनी आ गई, 3 आ गई, और डीपी सर के द्वारा यूनिट नंबर 2, ये डीपी सर की क्लासेज चल रही है ना। अब मैं बात रही मैथ्स की क्लास, देखो मैथ्स के गुरु जी हो के लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी हम क्या लगा रहे हैं, एक क्लास है और आज क्लासेज धीरे धीरे ऐसे वन बाई वन आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। तो बेटा ऐसे आपको कोर्स को परचेज करना है, और इस प्रकार अभी कभी आपको लाइव आना है तो हम क्या करें, लाइव आएंगे यहाँ पे और हम आपसे जुड़ जाएंगे। इसके साथ में आपको अनाउंसमेंट जो हम करेंगे साहब, आज आपकी क्लासेज 2 क्लासेज एक साथ हैं या एक क्लास ही है, तो इस प्रकार जो भी अनाउंसमेंट्स होंगे इस अनाउंसमेंट्स में इधर आ जाएगा। और व्यू का मतलब ये कि हमारा जो इस प्रकार का जो सिस्टम है इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखी है। आप इसको लाइव भी कर सकते हो कोर्स को, और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। अब बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करोगे आप, यहाँ से मतलब किससे, यानी टॉक टू ट्विटर, यानी आप हमसे टॉक कर सकते हो कि सर जी प्रॉब्लम आ गई हमें इस जगह पे तो आप हमें सॉल्व करो। तो बेटा जी हम तुरंत प्रभाव से यानी 24 घंटे में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने मैक्सिमम बताया 24 घंटा, हमारा टारगेट है कि 2 से 4 घंटे में आपकी सॉल्यूशंस को, आपकी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दें। इस प्रकार हमारा सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। तो बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे इस कोर्स को, क्योंकि आज यानी 5 अगस्त को इसका चार्ज केवल और केवल 1499 रुपया है। क्या बोलते हैं साहब 39 रुपया एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, वो देखो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें बैंक का चार्ज होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर रखा होता है तो कुछ पेमेंट का चार्ज बैंक का चार्ज होके हमारे पास आता है, इसलिए इसका क्या होता है बेटा, ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज और बैंक का प्रोसेस वगैरह वो तो लगेगा ही। इस प्रकार हमारा चार्ज केवल 1499 रुपये ओनली और ओनली एक दिन, वो है ओनली 5 अगस्त 2020 को। और आप ये किसी को डाउट्स है कि साहब ये कोर्स कब तक चलेगा, तो ये देख लेना 30 जून 2021 है, हमने इसका मैक्सिमम टाइम दिया है। तब तक आपको इसको प्रॉब्लम्स हो तो बराबर हमसे सॉल्यूशन पूछते रहो और इस कोर्स को देखते रहिए बेटा, ठीक है। और याद रखना ये कोर्स ओनली सिंगल मोबाइल में ही चलेगा, आपने इधर उधर चलाया तो इसका क्या हो सकता है, आपका ऐप अनइंस्टॉल हो सकता है और कोर्स में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि साहब इस बच्चे ने यहाँ थोड़ी सी कारस्तकारी करी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सिंगल मोबाइल सिंगल यूजर के लिए ये कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। ओके बेटा।